हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप बेरोज़गार हैं और पटवारी बनने के इच्छुक हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि फील्ड में कितने पद खाली हैं राजस्व विभाग ने इसकी रिपोर्ट मांग ली है। राजस्व विभाग ने फील्ड से रिपोर्ट मांगी है कि प्रदेश में 2026 तक कितने पटवारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि प्रदेश में पटवारियों के कितने पद खाली होने वाले हैं। उसके बाद राजस्व विभाग की ओर से निर्णय लिया जाएगा कि पटवारियों के कितने पदों के लिए भर्तियां करवाई जानी है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा पटवारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन पदों के खाली होने पर विभाग व आम जनता को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए राजस्व विभाग ने अभी से कसरत शुरू कर दी है। पटवारियों की ये भर्ती कर्मचारी चयन आयोग की ओर से करवाई जाएगी या फिर किसी और एजेंसी को मामला भेजा जाएगा, इसके लिए भी तैयारियां शुरू होंगी। पटवारियों की भर्ती को लेकर राजस्व विभाग ने कार्मिक विभाग को मामला भेजा है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पटवारियों के 1194 पदों पर भर्तियां करवाई गई थीं। 1194 पदों के लिए 3,21,25 आवेदन आए थे। लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में पटवारियों के पदों को भरा गया था। मोहाल के लिए 932 और सेटलमेंट में 262 पटवारी पद भरे गए थे। इस भर्ती के बावजूद प्रदेश में पटवारियों के कई पद खाली रह गए हैं, जिसके कारण प्रदेश के कई पटवारियों के पास एक से अधिक पटवार सर्कल का कार्यभार है। दोबारा पटवारियों की भर्तियाँ निकलने से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को फिर से पटवारी बनने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप प्लस टू पास हैं तो इस भर्ती के लिए तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।